हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो है मुंशी प्रेमचंद की रचित कहानी प्रेरणा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरी कक्षा में सूर्य प्रकाश से ज़्यादा उद्यमी लड़का कोई न था, बल्कि यो कहें कि अध्यापन काल के 10 वर्षों में मुझे ऐसी विषम प्रकृति के शिष्य से वास्ता न पड़ा था। कपट क्रीड़ा में उसकी जान बसती थी। अध्यापकों को बनाने और चिढ़ाने, उद्योगी बालकों को छेड़ने और रुलाने में उसमें ही उसको आनंद आता था। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचता, ऐसे ऐसे फंदे डालता, ऐसे ऐसे बंधन बांधता कि देखकर आश्चर्य होता था। गिरोह बंदी में अभ्यस्त था। खुदाई फौजदारों की एक फौज बना ली थी और उसके आतंक से शाला पर शासन करता था। मुख्य अधिधाष्ठा की आज्ञा टल जाए मगर क्या मजाल कि कोई उसकी हुक्म की अवज्ञा कर सके। स्कूल के चपरासी और अर्दली उसे थर थर कांपते थे। इंस्पेक्टर का मुआयना होने वाला था। मुख्य अधिष्ठाता ने हुक्म किया कि लड़के निर्दिष्ट समय से आधा घंटा पहले आ जाएं। मतलब था कि लड़कों को मुआयने के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता दी जाएं। मगर 10 बज गए, इंस्पेक्टर साहब आकर बैठ गए और मदरसे में एक लड़का भी नहीं। 11 बजे सब छात्र इस तरह निकल पड़े जैसे कोई पिंजरा खोल दिया हो। इंस्पेक्टर साहब ने कैफियत में लिखा, डिसिप्लिन बहुत ख़राब है। प्रिंसिपल साहब की किरकिरी हुई, अध्यापक बदनाम हुए और यह सारी शरारत सूर्यप्रकाश ने की थी। बहुत पूछताछ करने पर भी किसी ने सूर्यप्रकाश का नाम तक न लिया। मुझे अपनी संचालन विधि पर गर्व था। रनिंग कॉलेज में इस विषय में मैंने ख्याति प्राप्त की थी, मगर यहाँ मेरा सारा संचालन कौशल जैसे मूर्छा खा गया था। कुछ अक्ल ही काम न करती थी कि शैतान को कैसे सन्मार्ग पर लाएं। कई बार अध्यापकों की बैठक हुई पर यही गिरह न खुली। नई शिक्षा विधि के अनुसार मैं दंड नीति का पक्षपाती न था, मगर यहाँ हम इस नीति से केवल इसलिए विरक्त थे कि कहीं उपचार से भी रोग असाध्य न हो जाए। सूर्य प्रकाश को स्कूल से निकाल देने का प्रस्ताव भी किया गया, पर इसे अपनी अयोग्यता का प्रमाण समझ कर इस नीति का व्यवहार करने का साहस न कर सके। 20-22 अनुभवी और शिक्षा शास्त्र के आचार्य एक 12-13 साल के उद्वंड बालक को न सुधार सके, यह विचार बहुत ही निराशाजनक था। यूं तो हमारा सारा स्कूल उससे त्राही त्राही करता था, मगर सबसे ज़्यादा संकट में था मैं, क्योंकि वह मेरी कक्षा का छात्र था और उसकी शरारतों से कुफल मुझे भोगना पड़ता था। मैं स्कूल आता तो हर दम एक ही खटका लगा रहता था कि देखे आज क्या विपत्ति आती है। एक दिन मैंने अपनी मेज की दराज खोली तो उसमें से एक बड़ा मेंढक निकल पड़ा। मैं चौंक कर पीछे हट गया। क्लास में शोर मच गया। उसकी ओर सरोष नेत्रों से देख कर रह गया। सारा घंटा उपदेश में बीत गया और वह पट्टा सिर झुकाए नीचे मुस्कुरा रहा था। मुझे आश्चर्य होता था कि नीचे की कक्षाओं में कैसे पास हुआ था। एक दिन मैंने गुस्से से कहा, इस कक्षा से उम्र भर पास नहीं हो सकते। सूर्य प्रकाश ने अविचलित भाव से कहा, आप मेरे पास होने की चिंता न करें, मैं हमेशा पास हुआ हूँ और अब की भी होऊंगा। असंभव, असंभव हो जाएगा। मैं आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगा। जहीन लड़का भी अपनी सफलता का दावा इतनी निर्विवाद रूप से नहीं कर सकता था। मैंने सोचा वह प्रश्न पत्र उड़ा लेता होगा। मैंने प्रतिज्ञा की कि अब की एक चाल भी न चलने दूंगा, देखूँ कितने दिन इसी कक्षा में पढ़ा रहता है। आप घबरा कर निकल जाएगा। वार्षिक परीक्षा के अवसर पर मैंने असाधारण देखभाल से काम किया, मगर जब सूर्य प्रकाश का उत्तर पत्र देखा तो मेरे विस्मय की सीमा न रही। मेरे 2 पर्चे थे, दोनों में ही उसके नंबर कक्षा में सबसे अधिक थे। मुझे खूब मालूम था कि वह मेरे किसी पर्चे का कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकता। मैं इसे सिद्ध कर सकता था, मगर उसके उत्तर पत्रों का क्या करता। लिपि में इतना भेद न था जो कोई संदेह उत्पन्न कर सकता। मैंने प्रिंसिपल से कहा तो वह भी चकरा गए, मगर उन्हें भी जानबूझकर मक्खी निगलनी पड़ी। मैं कदाचित स्वभाव से ही निराशवादी हूँ। अन्य अध्यापकों को मैं सूर्य प्रकाश के विषय में जरा भी चिंतित न पाता था, मानो ऐसे लड़कों का स्कूल में आना कोई नई बात नहीं थी, मगर मेरे लिए वह एक विकट रहस्य था। अगर यही ढंग रहे तो एक दिन यह या तो जेल में होगा या पागलखाने में। उसी साल मेरा तबादला हो गया। यद्यपि यहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल थी, प्रिंसिपल और अन्य अध्यापकों से मेरी मैत्री हो गई थी, मगर मैं अपने तबादले से खुश हुआ क्योंकि सूर्य प्रकाश मेरे मार्ग का काटा न रहेगा।
लड़कों ने मुझे विदाई की दावत दी और सब के सब स्टेशन तक पहुंचाने आए। उस वक्त सभी लड़के आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैं भी अपने आंसुओं को रोक न सका। सहसा मेरी निगाह सूर्य प्रकाश पर पड़ी, जो सबसे पीछे लज्जित खड़ा था। कुछ ऐसा मालूम हुआ कि उसकी आंखें भी भीगी थी। मेरा जी बार बार चाहता था कि चलते चलते उससे दो चार बातें कर लूँ। शायद वह भी मुझसे कुछ कहना चाहता था, मगर मैंने पहले बात की ना उसने। हालांकि मुझे बहुत दिनों तक इसका खेद रहा। उसकी झिझक तो क्षमा के योग्य थी, पर मेरा अवरोध अक्षम्य था। संभव था उस करुणा की और ग्लानी की दशा मेरी दो चार निष्कपट बातें उसके दिलों पर असर कर जाती। इन्हीं खोए हुए अवसरों का नाम ही तो जीवन है। गाड़ी मंद गति से चली, लड़के कई कदम उसके साथ दौड़े। मैं खिड़की से बाहर सिर निकाले खड़ा था। कुछ देर उसके हिलते हुए रुमाल नजर आए, फिर वे रेखाएं आकाश में विलीन हो गई, मगर एक अल्पकाय मूर्ति अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैंने अनुमान किया वह सूर्य प्रकाश है। उस समय मेरा हृदय विकट कैदी की भांति घृणा, मालिन्य और उदासीनता के बंधनों को तोड़ तोड़ कर उससे गले मिलने के लिए तड़प उठा। नए स्थान की नई चिंताओं ने मुझे जल्द अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पिछले दिनों की याद एक हसरत बनकर रह गई। न किसी का कोई खत आया, न मैंने कोई खत लिखा। शायद दुनिया का यही दस्तूर है। वर्षा के बाद वर्षा की हरियाली कितने दिनों रहती है। संयोग से मुझे इंग्लैंड में विद्याभ्यास करने का अवसर मिल गया। वहाँ 3 साल लग गए। वहाँ से लौटा तो एक कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। यह सिद्धि मेरे लिए बिल्कुल अशातीय थी। मेरी भावना स्वप्न में भी इतनी दूर न उड़ी थी, किंतु पदलिप्सा अब किसी और भी ऊंची डाली पर आश्रय लेना चाहती थी। शिक्षा मंत्री ने रप्त जप्त पैदा किया। मंत्री महोदय मुझ पर कृपा रखते थे, मगर वास्तव में शिक्षा के मौलिक सिद्धांतों का उन्हें ज्ञान न था। मुझे पाकर उन्होंने सारा भार मेरे ऊपर डाल दिया। घोड़े पर वह सवार थे, लगाम मेरे हाथ में थी। फल यह हुआ कि उनके राजनीतिक विपक्षियों ने मेरा विरोध हो गया। मुझ पर जा बेजा आक्रमण होने लगे। मैं सिद्धांत रूप से अनिवार्य शिक्षा का विरोधी हूँ। मेरा विचार है कि हर मनुष्य को उस विषय में ज़्यादा स्वाधीनता होनी चाहिए जिसका उससे निज संबंध है। मेरा विचार है कि यूरोप में अनिवार्य शिक्षा की ज़रूरत है, भारत में नहीं। भौतिकता सभ्यता का मूल तत्व है। वहाँ किसी काम की प्रेरणा आर्थिक लाभ के आधार पर होती है। जिंदगी की जरूरत ज़्यादा है, इसलिए जीवन संग्राम भी अधिक भीषण है। माता पिता भोग के दास होकर भी बच्चों को त्याग करके एक शीलिंग रोज की बचत कर लें। वे अपने कमसीन बच्चे को एक शीलिंग की मजदूरी के लिए दबाएंगे। भारतीय जीवन में सात्विक सरलता है। हम उस वक्त तक अपने बच्चों से मजदूरी नहीं कराते जब तक कि परिस्थिति हमें विवश न कर दे। दरिद्र से दरिद्र हिंदुस्तानी मजदूर भी शिक्षा के उपकारों का कायल है। उसके मन में यह अभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा 4 अक्षर पढ़ जाए। इसलिए नहीं कि उसे कोई अधिकार मिलेगा, बल्कि केवल इसलिए कि विद्या मानवीय शील का एक श्रृंगार है। अगर यह जानकर भी वह अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजता तो समझ लेना चाहिए कि वह मजबूर है। ऐसी दशा में उस पर कानून का प्रहार करना मेरी दृष्टि में न्याय संगत नहीं है। इसके सिवाय मेरे विचार में अभी हमारे देश में योग्य शिक्षकों का अभाव है। अर्धशिक्षित और अल्प वेतन पाने वाले अध्यापकों से आप यह आशा नहीं रह सकते कि वह कोई ऊंचा आदर्श अपने सामने रख सके। अधिक से अधिक इतना होगा कि 4-5 वर्ष में बालक को अक्षर ज्ञान हो जाएगा। मैं इसे पर्वत खोदकर चूहिया निकालने के तुल्य समझता हूँ। वयस प्राप्त हो जाने पर यह मसला 1 महीने में आसानी से तय किया जा सकता है। मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि युवावस्था में हम जितना ज्ञान 1 महीने में प्राप्त कर सकते हैं, उतना बाल्यकाल में 3 साल में भी नहीं कर सकते। फिर खामोखा बच्चों को मदरसों में कैद करने से क्या लाभ? मदरसे के बाहर रखकर उसे स्वच्छ वायु तो मिलती, प्राकृतिक अनुभव तो होते। पाठशाला में बंद करके तो आप उनसे मानसिक और शारीरिक दोनों विधानों की जड़ काट देते हैं। इसलिए जब प्रांतीय व्यवस्थापक सभा में अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव पेश हुआ तो मेरी प्रेरणा से मिनिस्टर साहब ने उसका विरोध किया। नतीजा यह हुआ प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। फिर क्या था, मिनिस्टर साहब ने मेरी ओर वह ले दे शुरू हो गई कि पूछ ना पूछिए। व्यक्तिगत आक्षेप के लिए मैं गरीब का बीवी था, मुझे ही सबकी भाभी बनना पड़ा। मुझे देशद्रोही, उन्नति शत्रु और नौकरशाही का गुलाम कहा गया।
मेरे कॉलेज में जरा सी भी कोई बात होती तो कैंसिल पे मुझ पर वर्षा होने लगती। मैंने एक चपरासी को प्रत्यक्ष किया और सारे कौंसिल पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गए। आखिर मिनिस्टर साहब को मजबूर होकर उस चपरासी को बहाल करना पड़ा। यह अपमान मेरे लिए असहनीय था, शायद कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता। मिनिस्टर साहब से मुझे शिकायत नहीं, वह मजबूर थे। हाँ, इस वातावरण में मेरे लिए काम करना दुसाध्य हो गया था। मुझे अपने कॉलेज के आंतरिक संगठन का भी अधिकार नहीं। अमुक क्यों नहीं परीक्षा में भेजा गया? अमुक के बदले अमुक को क्यों नहीं छात्रवृत्ति दी गई? अमुक अध्यापक को अमुक कक्षा क्यों नहीं दी गई? इस तरह सारहीन अपेक्षाओं ने मेरी नाक में दम कर दिया। इस नई चोट ने कमर तोड़ दी। मैंने इस्तीफा दे दिया। मुझे मिनिस्टर साहब ने इतनी आशा अवश्य थी कि वह कम से कम इस विषय में न्यायपरायणता से काम लेंगे, मगर उन्होंने न्याय की जगह नीति को मान्य समझा और मुझे कई साल की भक्ति का फल मिला। मैं पदच्युत कर दिया गया। संसार का ऐसा कटा अनुभव मुझे अब तक न हुआ। ग्रह भी कुछ बुरे आ गए थे। उन्हीं दिनों मेरी पत्नी का देहांत हो गया। अंतिम दर्शन भी न कर सका। संध्या समय नदी तट पर सैर करने गया था। वह कुछ अस्वस्थ थी। लौटा तो उसकी लाश मिली। कदाचित हृदय की गति बंद हो गई थी। इस आघात ने कमर तोड़ दी थी। माता के प्रसाद और आशीर्वाद से बड़े बड़े महान पुरुष कृतार्थ हो गए। मैं जो कुछ हुआ पत्नी के प्रसाद और आशीर्वाद से हुआ। वह मेरे भाग्य की विधात्री थी। कितना अलौकिक त्याग था, कितना विशाल धैर्य। उसके माधुर्य में तीक्ष्णता का नाम भी न था। मुझे याद न आता कि मैंने कभी उसकी भ्रुकुटी संकुचित देखी थी। वह निराश होना तो जानती ही न थी। मैं कई बार सख्त बीमार पड़ा हूँ। वैद्य निराश हो गए, पर अपने धैर्य और शांति से अनुमात्र भी विस्मित नहीं हुई। उन्हें विश्वास था कि मैं अपने पति के जीवन काल में मरूंगी, और वही हुआ। मैं जीवन में अब तक उन्हीं के सहारे खड़ा था। जब वह अवलंबक ही न रहा, जीवन कहाँ रहता? खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है। जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने का, लगन का। यह लगन गायब हो गई। मैं संसार से विरक्त हो गया और एकांतवास में जीवन के दिन व्यतीत करने का निश्चय करके एक छोटे कस्बे में आ बसा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टीले थे, एक ओर गंगा बहती थी। मैंने नदी के किनारे एक छोटा सा घर बना लिया और उसी में रहने लगा। मगर काम करना तो मानवीय स्वभाव है, बेकारी में जीवन कैसे काटता? मैंने एक छोटी सी पाठशाला खोल ली। एक वृक्ष की छांव में गांव के लड़कों को जमा कर कुछ पढ़ाया करता था। यहाँ उनकी इतनी ख्याति हुई कि आसपास के छात्र भी आने लगे। एक दिन मैं अपनी कक्षा को पढ़ा रहा था कि पाठशाला के पास मोटर आकर रुकी। उसमें से उस जिले के डिप्टी कमिश्नर उतर पड़े। मैं उस समय एक कुर्ता और धोती पहने था। इस वेश में एक हाकिम से मिलते हुए शर्म आ रही थी। डिप्टी कमिश्नर मेरे समीप आए तो मैंने झेपते हुए हाथ बढ़ाया, मगर हाथ मिलाने से बदले वह मेरे पैरों की ओर झुके और उन्होंने सिर रख दिया। मैं कुछ ऐसा सिटपिटा गया कि मेरे मुंह से एक भी शब्द न निकला। मैं अंग्रेजी अच्छी लिखता हूँ, दर्शन शास्त्र का भी आचार्य हूँ, व्याख्यान भी अच्छे दे लेता हूँ, मगर इन गुणों से एक भी श्रद्धा के योग्य नहीं थी। श्रद्धा तो ज्ञानियों और साधुओं के अधिकार की वस्तु है, मगर मैं ब्राह्मण होता तो एक बात थी। हालांकि एक सिविलियन का किसी ब्राह्मण के पैरों पर सिर रखना अचिंतनीय है। तो दोस्तों, ये था कहानी का अंत। एक सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो अंत में डिप्टी कमिश्नर आकर मास्टर जी के पैर पड़ा, वो कौन था? अगर हाँ आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर लिखिएगा। देखते हैं कि क्या आपने कहानी ढंग से या ध्यान से सुनी है। और इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।